यूं बैठे मेरे बुजुर्ग श्वेता की तरफ से सबसे पहले आपको नमस्कार। अपने भाषण में भी कहा कि जो परिवर्तन, जिस परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्गों ने संघर्ष किया, प्रजा परिषद का आंदोलन किया और इस रियासत जो आज यूटी है, इस यूटी की टोटल इंटीग्रेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हो, भारत का अटूट अंग है, इसमें कोई दोराय नहीं। मगर जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज, जो असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने वो जीती है 5 अगस्त 2019 के बाद, जो मोदी साहब ने इसमें 370-35 को तोड़ के और ये जो नया निज़ाम शुरू किया है जिसमें विकास के अनेक कार्य और विशेष तौर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनने का नया काम, पंचिस सरपंचिस बनाना, बीडीसी के इलेक्शन कराना, डीडीसी के इलेक्शन कराना, नई विकास की और रोजगार के अवसर लाना, इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट करना, ये सारी और सबसे अहम बात आज कश्मीर में जो टूरिज्म फ्लोट हो रहा है, जो बहुत भारी रश कश्मीर में आज देखने को मिल रहा है और जो लोग कश्मीर में जो बदलाव, नौजवानों में जो बदलाव जो देखने को मिला है, वो सब नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह साहब की देन है। और मेरे को लगता है नौजवान साथी, जम्मू कश्मीर का नौजवान साथी में परिवर्तन आया है, वो इस रियासत में अमन और शांति देखना चाहता है, उसी का एक छोटा सा नमूना है, उसी मार्ग पर चलने का भारतीय जनता पार्टी का काम है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सारी जो संघर्ष था, हमारे बुजुर्गों का जो संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष को निर्णायक रूप पर लेकर जाएंगे और इस रियासत में अमन और शांति का माहौल, भाईचारे का माहौल। देखो, मैंने पहले ही कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर की, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ इतनी थी, डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई थी, हमारे हक हकूक की लड़ाई थी। तो पॉलिटिकल जो हमारी नौकरियां खाते थे, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ होता था, जो भेदभाव जम्मू के साथ होता था, उसके साथ सबसे बड़ा अगर कोई भेदभाव था, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भेदभाव था। तो जो इम्बैलेंस को बैलेंस करने का जो प्रयास इस डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है, मैं डिलिमिटेशन कमीशन को बधाई देता हूँ। फ्री और बड़ी लेंथी और हेल्दी एक्सरसाइज के बाद जिस निर्णय पे डिलिमिटेशन कमीशन पहुंची है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और लगता है कि जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है, उस डिस्पैरिटी को खत्म आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म होगी और जम्मू और कश्मीर जो एक दूसरे के साया है, फेसिस ऑफ टू क्वाइन, ये तभी चल सकता है जब आपस में अमन और भाई